Hey guys, Avinash here and welcome to Mind and Muscle Connection. Hope you all are vibing. And last day मैं अपने YouTube के comment section पढ़ रहा था, तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने comment किया था कि मैं जो भी recipes डालता हूँ वो cook करना थोड़ा मुश्किल है या फिर उन्हें बिल्कुल भी cooking नहीं आती. And मेरे कुछ viewers ऐसे भी हैं जो कि working professionals हैं, तो उनके लिए उतना time नहीं मिल पाता कि वो cook कर पाए. तो मैंने सोचा क्यों ना video मैं एक ऐसा बना दूँ जिसमें मैं full day of eating डालूँ and without any cooking. इसका मतलब हम कुछ भी कुकिंग नहीं करेंगे और दिन के सारे मील्स कंप्लीट करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ एंड बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट मील की तरफ आफ्टर म्यूजिक. सो जस्ट आफ्टर वेकिंग अप सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है इज ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. आई मीन अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि आप पूरी रात सोते हो तो आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हो. एंड वाटर हेल्प करता है आपके बॉडी से टॉक्सिन फ्लश आउट करने में एंड ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी किक स्टार्ट करता है. इट मीन्स आप जो भी आगे खाओगे उसकी न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब होगी. तो चलिए बढ़ते हैं अपनी ब्रेकफास्ट की तरफ एंड ब्रेकफास्ट हम बहुत ही सिंपल रखेंगे. ब्रेकफास्ट में हम लेंगे ओट्स. मैंने ओट्स की बहुत सारी रेसिपी डाली है, बट चलिए विदाउट कुकिंग वाला भी एक रेसिपी देख लेते हैं. तो इस रेसिपी के लिए हमने 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स को कंबाइन किया 100 ml ऑफ मिल्क के साथ. सो बेस्ट रिजल्ट के लिए ओट्स एंड मिल्क की रेशियो में से 1:2 मिले और इसे 10 मिनट तक छोड़ दें, जैसे कि मैंने यहाँ पे छोड़ा है. एंड 10 मिनट बाद आप देखोगे कि ये बहुत ही अच्छे से सोक हो चुका है मिल्क में. इसके बाद हम इसमें डालेंगे अराउंड 2 टेबल स्पून ऑफ हनी और आप इसे कोई भी सीजनल फ्रूट के साथ कंबाइन कर सकते हो. अभी ग्रेप सीजन में है तो मैंने यहाँ पे ग्रेप्स लिया है. एंड ओमेगा 3 के लिए मैंने इसमें फ्लैक्स सीड्स भी ऐड किया है, तो फ्लैक्स सीड्स तो ज़रूर ऐड करें, उससे इसका टेस्ट भी अल्टीमेट होता है. तो आप यहाँ पे इसकी कैलोरीज चेक कर सकते हो एंड विदाउट कुकिंग ओट्स बनकर रेडी है. तो ओट्स एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसे हमने कंबाइन किया मिल्क एंड फ्रूट के साथ, जो कि एक हेल्दी कॉम्बिनेशन होता है. एंड बिलीव मी, अगर आप ब्रेकफास्ट में ये खाओगे तो 3-4 घंटे के पहले तो आपको भूख लगनी नहीं है. तो चलिए बढ़ते हैं अपने मील नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ही सिंपल होगी. एंड ये मील हम अराउंड 11 o'clock to 12 o'clock के बीच लेंगे. एंड एक और बात, इस वीडियो में दिखाए सारे मील्स को आप अपने साथ पैक करके ले जा सकते हैं. सो इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और अ स्टूडेंट, आप कोई भी मील अपने साथ लेके जा सकते हो. तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी मील की तरफ, जो कि होगी बनाना पीनट बटर सैंडविच. तो चलिए चेक करते हैं उसकी एक छोटी सी रेसिपी. पीनट बटर सैंडविच बनाने के लिए हम एक ब्राउन ब्रेड लेंगे और उस पर पीनट बटर को अच्छे से फैला देंगे कुछ इस तरीके से. एंड हम स्लाइस करेंगे एक बनाना को और उसे भी इस पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और दूसरे ब्राउन ब्रेड से हम इसे ढक देंगे और हमारे सिंपल हाई प्रोटीन स्नैक बनकर रेडी है. आप स्क्रीन पर इसके कैलोरीज भी देख सकते हो. तो ये थी हमारी सेकंड मील एंड इसे प्रिपेयर करने में 5 मिनट भी नहीं लगे. एंड दिस इज अ कैलोरी डेंस फूड, इट मींस इस वाले मील में बहुत ज़्यादा कैलोरी था, जो कि आपको इजीली लंच तक होल्ड करके रखेगा. तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपनी लंच की तरफ, क्योंकि वीडियो भी हमें ज़्यादा लंबा नहीं रखना है. सो लंच में हम खाएंगे पनीर सैंडविच एंड इसे हम कंबाइन करेंगे लस्सी के साथ. तो सबसे पहले चेक करते हैं उसकी रेसिपी. पनीर सैंडविच को बनाने के लिए हम सबसे पहले 100 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, थोड़े से अनियंस, थोड़े से ग्रीन चिलीज, थोड़े से करियंडर लीव्स. इसके बाद इस मिक्सचर में हम ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट. एंड इसके बाद मसाले में मैंने यहाँ पे लिया है भुना जीरा, चाट मसाला एंड थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर. एंड इसके बाद हम इसमें अराउंड 3 टेबल स्पून कर्ड दे के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इसे अच्छे से मिलाने के बाद हमारा मिक्सचर रेडी है. आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी क्या है. एंड नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे 1 ब्राउन ब्रेड एंड उस पर ये मिक्सचर अच्छे से अप्लाई कर देंगे. एंड सेकेंड ब्राउन ब्रेड लेके इसे हम सैंडविच कर देंगे एंड इसे अब हम ट्रायंगल्स में काट देंगे, क्योंकि इसे सैंडविच की शेप भी तो देनी है. एंड आपकी हाई प्रोटीन लंच बनकर रेडी है एंड आई एम श्योर आप इसे खाकर कहोगे वाह बेटे मौज कर दे. और मौज करते करते आप इसकी कैलोरीज अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. लस्सी बनाने के लिए सिंपली हम दही और पानी को 1:1 रेशियो में मिलाएंगे और इसमें हम सॉल्ट और भुना हुआ जीरा ऐड कर देंगे फॉर टेस्ट. तो आपने देखा कि लंच में हमने इंक्लूड किया है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस एंड इसे हमने कंबाइन किया लस्सी के साथ, जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा. प्लस इसमें बहुत सारे प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म एंड हेल्थ को बूस्ट देगा, जिससे आप फैट लॉस भी कर सकेंगे और जल्दी मसल गेन भी कर सकेंगे. शाम एक ऐसा वक्त है जिस टाइम हमें सबसे ज़्यादा क्रेविंग होती है कुछ चटपटा खाने की. एंड जनरली हम शाम को कुछ अनहेल्दी खा लेते हैं, जो कि हमारे फिटनेस गोल को अफेक्ट करता है. तो चलिए चेक करते हैं एक ऐसी रेसिपी जो कि चटपटा भी है एंड ये आपके लिए हेल्दी भी है. इवनिंग में बनाएंगे हम चना क्रंच एंड चना क्रंच के लिए हमें चाहिए 25 ग्राम्स ऑफ रोस्टेड पीनट्स एंड 25 ग्राम्स ऑफ रोस्टेड चिकपीज. इसे हम कंबाइन करेंगे ग्रीन चिलीज एंड अनियन के साथ. आप चाहो तो इसमें टोमेटो भी ऐड कर सकते हो. एंड फिर ऐड करेंगे अराउंड 1/2 लेमन एंड इसमें हम डालेंगे रॉक सॉल्ट एंड चाट मसाला. इसे अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि इससे आपको मिलेगी हेल्दी प्रोटीन्स एंड कार्ब्स एंड वो 2 मिनट वाले मैगी नूडल्स से तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है.
एंड वन मोर थिंग, आपकी गोल जो भी हो, मसल बिल्डिंग या फैट लॉस, आपको अपने लाइफस्टाइल में कोई भी तरह का एक्सरसाइज जरूर इंक्लूड करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, रनिंग, जिमिंग और योगा, किसी भी तरह का फिजिकल वर्कआउट आपको अपने लाइफ में लाना ही पड़ेगा, तभी आप अपने में कुछ नोटिसेबल चेंज देखोगे. क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपके मसल फाइबर में माइक्रो टीयर्स होते हैं, एंड आप जब उसे कंबाइन करोगे एक हेल्दी डाइट से, तो वो माइक्रो टीयर्स हील होंगे एंड वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे, जिससे कि आप मसल गेन करोगे. एंड एक बार आप मसल पुट ऑन करना शुरू कर दो तो आपका फैट लॉस भी बहुत स्पीड अप हो जाएगा. तो प्लीज आप अच्छे डाइट के साथ एक्सरसाइज भी जरूर करें इफ यू वांट टू सी अ चेंज इन योरसेल्फ. इसी के साथ बढ़ते हैं आज की लास्ट मील ऑफ द डे की तरफ, जो कि होगी डिनर. एंड डिनर में हम खाएंगे सोयाबीन सैलड. एंड डिनर हमें ज्यादा हैवी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली हम सो जाते हैं. तो सबसे बेस्ट डिनर का कॉम्बिनेशन है हाई प्रोटीन एंड लो कार्ब. तो मैंने उसी को देख के डिनर में सोयाबीन सैलड इंक्लूड किया है, जो कि बहुत ही लाइट है एंड बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस है. तो चलिए चेक करते हैं उसकी एक क्विक रेसिपी. चलिए बनाते हैं हाई प्रोटीन सोया सैलड. इसके लिए सबसे पहले हम सोयाबीन को पानी में सोक करेंगे अराउंड 10 मिनट्स के लिए. एंड आप देख सकते हैं कि 10 मिनट्स में ये अच्छे से सोक हो गया है. चलिए इसे और हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड करते हैं. तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है अनियंस, क्यूक्यूम्बर्स, टोमेटोज, आप चाहें तो इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं. नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम सीजनिंग. सीजनिंग में मैंने डाला है रोस्टेड क्यूमिन, चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, रॉक सॉल्ट, एक चम्मच टोमेटो केचप का, एंड यहाँ पे मैंने सेजवान सॉस डाला है. इसे ज़रूर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है. एंड टॉप अप करेंगे इसे पीनट्स के साथ एंड अच्छे से मिक्स कर लेंगे. मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है. एंड हमारा सोयाबीन सैलड बनकर रेडी है. आप स्क्रीन पर इसकी कैलोरीज भी देख सकते हो. तो आप ये डिनर वाली रेसिपी तो जरूर ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी एंड बहुत ही टेस्टी है. एंड इसके साथ आज का हमारा फुल डे ऑफ ईटिंग खत्म होता है, जिसमें हमने बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करी. एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर कर दो अपने उस दोस्तों के साथ जो कि हॉस्टल या फिर पीजी में रहते हैं या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं. एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं उस पर भी बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज डालते रहता हूँ एंड उसमें बहुत सारे हेल्थ फैक्ट्स भी डालते रहता हूँ. तो आप वहाँ पे जाकर जरूर फॉलो करना. एंड सबसे आखिर में, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हर हफ्ते डाइट रिलेटेड और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस डालते रहता हूँ. सो आज के वीडियो में इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. दिस इज अविनाश. आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वन. चीयर्स.